जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नागरिक शास्त्र का ये जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं बच्चों। भारतीय किसान यूनियन एक सफल जन आंदोलन था, इसकी आवश्यकता एवं प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारतीय किसान यूनियन गठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, उसमें कहाँ तक विवाद सफल हुआ। अथवा करके देगा भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी। आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। हिंट डालेंगे भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन था। यह संगठन वर्ष 1970 से 80 के दशक में अस्तित्व में आया था। ये इम्पोर्टेंस है, 1970 से 80 के दशक में अस्तित्व में आया था। 80 के दशक में हुए किसान आंदोलन में यह अग्रणी रहा बच्चों। आगे देखेंगे वर्ष 1970 के समय तत्कालीन राजनीति एवं अन्य कारणों से उत्पन्न हुए असंतोष से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगी थी। समृद्ध किसानों द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करने के फलस्वरूप ही कृषक आंदोलन अस्तित्व में आया। अगला देखेंगे जनवरी 1988 में मेरठ में किसानों ने बिजली वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया। 3 हफ्तों के धरना प्रदर्शन के पश्चात उनकी मांगों का मान लिया गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के जो है सदस्य थे। भारतीय किसान यूनियन की आवश्यकता, हेडिंग डालेंगे हम लोग भारतीय किसान यूनियन की आवश्यकता क्यों हुई। देखो कि इसने किसानों को समान हित के मुद्दों पर संगठित कर उनमें जो है एकता की भावना का सूत्रपात किया। नंबर 2, इसने किसानों को एकताबद्ध कर उनमें जो है सौदेबाजी की क्षमता को विकसित किया। बच्चों इसने जो है किसानों की मांगों को सूत्रबद्ध करके सरकार के सम्मुख रखा। भारतीय किसान यूनियन की मांगे, भारतीय किसान यूनियन क्या मांगे थी आइए देखते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उदारीकरण प्रक्रिया के दौरान नकदी फसल के बाजार पर छाए संकट के कारण भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के समक्ष किसानों के हितों के संदर्भ में कुछ मांगों को रखा जो निम्न थी। निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। नंबर 1, ये गन्ने एवं गेहूँ के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। ये जो है नकदी फसल है, ये गन्ना हो गया, ये सब नकदी फसल हैं। नंबर 2, कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक को हटा दिया जाए। आगे देखेंगे, आगे है समुचित दर पर गारंटी सुधा बिजली की आपूर्ति की जाए। नंबर 3, किसानों के शेष बकाया कर्ज को माफ़ किया जाए और उनके जो है उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। 80 के दशक में आए कृषि संकट के कारण कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख हो गया। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलन को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध किसी क्षेत्र का संघर्ष बताया। भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं एवं गतिविधियां, हैंड डालेंगे हम लोग भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं एवं जो है गतिविधियां। भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान इत्यादि की माध्यम से अपनी मांगें पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डाला। इन्होंने अनेक जिला मुख्यालयों पर विशाल किसान रैलियों का आयोजन भी किया। अगला नंबर देखेंगे, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को एकजुट करने के लिए जातिगत जुड़ाव का उपयोग भी किया क्योंकि इसके अधिकार सदस्य एक विशेष समुदाय के थे। आगे देखेंगे, इन्होंने जातिगत समुदायों को आर्थिक मुद्दों पर एकत्रित करने के लिए जात पंचायत की पुरानी संस्था का उपयोग किया। 1990 के आरंभिक वर्षों तक यह सभी राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर एक दबाव समूह की तरह कार्य करता रहा तथा अनेक राज्यों के किसानों को संगठित कर सरकार ने अपनी मांगों को पूरा कराया। यह आंदोलन मुख्य रूप से समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसान बाजार के लिए नकदी फसलों का उत्पादन करते थे। भारतीय किसान यूनियन की भांति अन्य राज्यों के किसान संगठन ने अपने सदस्यों का चयन उन लोगों में से किया जो चुनावी राजनीति से संबंध रखते थे, जैसे बच्चों महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन तथा कर्नाटक का रैयत संघ आदि। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मांग की कि कृषि को जो है WTO की इसके सीमा से जो है बाहर रखा जाए। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो है विश्व व्यापार संगठन। WTO का बच्चों जो मुख्य इसका हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो है मुख्यालय जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है।